हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम करेंगे सीटेट का 1 जनवरी का आया हुआ एसएसटी का क्वेश्चन। इसके पहले हमने एसएसटी के 40 क्वेश्चंस किए थे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे, और अब ये 20 क्वेश्चन जो पैडागॉजी बेस्ड हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। वी यूज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस टू। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? ये आपने बीएड में पढ़ा होगा ना, इस डिसिप्लिन का मतलब, इस डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट, इस डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच किसको कहते हैं? जब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है उसी को कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये जो है सोशल साइंस पढ़ाने के समय जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया जाता है वो किस लिए, तो ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, इंश्योर दैट सिलेबस इज कम्प्लीटेड। सिलेबस कम्प्लीट करने के लिए नहीं, सिलेबस कम्प्लीट करने के लिए नहीं किया जाता है। इनेबल लर्निंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ डिसिप्लिन, नहीं, डिसिप्लिन के बाउंड्री में रह के लर्निंग हो इसके लिए नहीं किया जाता है। इलस्ट्रेट इंटर कनेक्शन एंड इंटर डिपेंडेंस बिटवीन डिसिप्लिन, ये इसका सही आंसर है। इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ के पढ़ाया जाता है। ठीक है, मेक क्लास मोर लाइवली एंड इंगेजिंग, इसके लिए ये नहीं होता है। ठीक है, उसके इसके लिए और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब है एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पढ़ाना। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषय उपागम का प्रयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, नहीं, विषयगत सीमाओं के अंतर्गत अधिगम दशाएं निश्चित करने के लिए भी नहीं, विषयों के बीच अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता का निर्देशन करने के लिए। यह एक दूसरे से सब्जेक्ट रिलेटेड है इसलिए क्या किया जाता है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाया जाता है। ठीक है, और सजग और क्रियाशील बनाने के लिए जो है वो दूसरा अप्रोच अपनाया जाता है, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच उसके लिए नहीं अपनाया जाता है। सोशल साइंस इक्विप्स चिल्ड्रन मेनली विद द एबिलिटी टू। सोशल साइंस जो है वो चिल्ड्रन में कौन सा एबिलिटी बढ़ाता है? थिंक इंडिपेंडेंटली, सही बात है, सोशल साइंस जो पढ़ेगा तो वो इंडिपेंडेंटली सोच पाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन सुपरस्टिशंस, वो सवाल कर पाएगा। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए तो वो आंख बंद करके मान लेगा कि बाल नहीं धोना चाहिए, वो पूछेगा आखिर क्यों नहीं धोना चाहिए, भला बाल धोने से भगवान कैसे नाराज हो सकते हैं, भला भगवान ये कैसे कह सकते कि तुम गंदे से रहो, इससे भला क्या नुकसान हो सकता है, वो सवाल उठाएगा, वो सुपरस्टिशंस पे क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, अंधविश्वास को मान नहीं लेगा। अनलर्न जेंडर बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स, जेंडर बायसेस और स्टीरियोटाइप इससे अनलर्न होगा, मतलब खत्म होगा। ठीक है, जेंडर बायसेस क्या होता है, किसी एक जेंडर के प्रति झुकाव, चाहे लड़का या लड़की के प्रति, और स्टीरियोटाइप क्या होता है, जो पहले से चला आ रहा है चाहे वो गलत है या सही, उसको हमने मान लिया है, तो वो जेंडर बायस और स्टीरियोटाइप जो उसके मन में बैठ गया, उसके मन में जो बैठ गया कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, फुटबॉल खेलना लड़कों का काम है, ये सब धीरे धीरे वो अनलर्न करेगा। ठीक है, इसको अनलर्न करेगा, लर्न का अपोजिट होता है अनलर्न, मतलब इसको दिमाग से वो हटाएगा धीरे धीरे। फॉलो रूल्स एंड सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, वो किसी चीज़ को सिर्फ फॉलो नहीं कर लेगा आँख बंद करके, और जो सोशल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट जो समाज में चला आ रहा है उसको वो आँख बंद करके विश्वास नहीं कर लेगा। अगर सब कोई जो समाज में चला आ रहा है उसको आँख बंद करके विश्वास कर लेता तो क्या सती प्रथा खत्म हो सकता, क्या विधवा विवाह पुनर्विवाह शुरू हो सकता? नहीं, उसको लोगों ने आँख बंद करके नहीं माना, क्वेश्चन किया कि क्यों, भला सती होने के लिए क्यों कहा जा सकता है, भला भगवान क्यों कहेंगे सती होने के लिए, भला हमारे किसी धर्म ग्रंथ में तो नहीं दिया हुआ है कि तुम सती हो जाओ। सुपरस्टिशन था ना ये, पहले पहले लोगों को लगता था कि ऐसा सही है, लेकिन क्वेश्चन किया, क्वेश्चन किया तभी तो उसको खत्म किया ना, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया,
सही आंसर हो गया ए बी सी। इसीलिए अगर कोई कुछ कह दे कि ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, तो अंधविश्वास को मान नहीं लेना चाहिए। उसको अपने तर्क के आधार पर सोचना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, भला इसके पीछे क्या रीजन है, और अगर कोई रीजन नहीं है तो क्यों होता है, गलत है तो हम लोग गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, है ना। इसीलिए बच्चे को पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु। सही बात है, बच्चे पढ़ेंगे तभी वो स्वतंत्र रूप से सोच पाएंगे, नहीं तो जो उसको कह दिया जाएगा उसी को वो मान लेंगे। अंधविश्वासों पर प्रश्न करने हेतु, अंधविश्वासों पर वो प्रश्न उठाएंगे, ठीक है, अंधविश्वासों पर वो प्रश्न उठाएंगे। लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ, उसको तोड़ेंगे, ठीक है, जो लिंग पूर्वाग्रह चला आ रहा है और जो रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ चली आ रही है उसको वो तोड़ेंगे, ठीक है। सामाजिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन, जो नियम चला आ रहा है उसको वो आंख बंद करके पालन नहीं करेंगे, वो उस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ए बी और सी करेक्ट आंसर है। सेंसिटिविटी टुवार्ड्स वोमेन्स इशूज कैन बी इनकरेज इन क्लासरूम बाय, अगर आप क्लासरूम में वोमेन के लिए सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट बुक ऑन वोमेन इन हिस्ट्री, आप हिस्ट्री में जो टेक्स्ट बुक है उसको वोमेन के बारे में पढ़ने के लिए कहेंगे। लिस्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वोमेन, वोमेन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया उसका लिस्ट बनाने के लिए कहेंगे। कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन ऑन टेस्टिमोनीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बैठ के चर्चा में बात करने के लिए कहेंगे कि आप भेदभाव के लिए आप लोग जो है ग्रुप में बैठ के बातचीत करिए। ये एक सही आंसर है, जहाँ कर भी बच्चा ग्रुप में बैठ के किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करता है। डिस्कसिंग पावर रिलेशंस बिटवीन मैन एंड वोमेन इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो इसमें क्या है, बच्चा समूह में है, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव आंसर है। डिस्कसिंग पावर रिलेशंस बिटवीन मैन एंड वोमेन इन सोसाइटीज, आप बच्चे को कहेंगे कि डिस्कस करो सोसाइटी में मैन और वोमेन के रिलेशन के बारे में, तो ये दोनों आपका पॉजिटिव आंसर है, तो सी एंड डी आपका पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहने द्वारा इससे नहीं होगा, महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने द्वारा आप संविधान में जो दिया गया उसको लिस्ट बनाइए इससे भी नहीं होगा, भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्मविश्लेषण, जब समूह में बैठ के बच्चे चिंतन मनन करेंगे आत्मविश्लेषण करेंगे तभी होगा, समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर चर्चा करने के लिए, चर्चा जहाँ बच्चा करे समूह में जहाँ बच्चा बैठे वो सब ऑप्शन जो है आपका सही रहता है, ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो गया सी एंड डी। नेक्स्ट देखते हैं, ए टीचर इन ए सोशल साइंस क्लासरूम यूजेस आर्टिफैक्ट्स एंड फोक टेल्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर कल्चर टू बिल्ड अपॉन स्टूडेंट क्यूरियोसिटी रिगार्डिंग दैट कल्चर, एक टीचर जो है वो बच्चे में क्यूरियोसिटी लाने के लिए किसी कल्चर के बारे में क्या कर रहा है, एक कहानी सुना रहा है, कहानी मतलब लोक कथा उसके बारे में, ठीक है, और आर्टिफैक्ट्स, तो वो टीचर क्या कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, तो स्टोरी टेलिंग नहीं, रोल प्ले नहीं, रोल प्ले होता जब सब बच्चों को एक्टिंग करने के लिए दिया जाता, तुम ये बन जाओ तुम वो बन जाओ, ये सोर्स मेथड है और ओपन इंक्वायरी है, ठीक है, सोर्स मेथड एंड ओपन इंक्वायरी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृति के शिल्प तत्व तथा लोक कक्षाओं का प्रयोग कर कथाओं होगा लोक कथाओं का प्रयोग करता है ताकि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्राओं की जिज्ञासा बनाई रखी जा सके, तो यह उदाहरण है स्रोत पद्धति का, वो वहाँ के संस्कृति के शिल्प तत्व लेता है, मतलब वो उसके स्रोत का यूज करता है, और लोक कथा जो होता है ऐसा कल्चर जिसका कि कोई लिखित में प्रमाण नहीं है उसका जो लोक कथा है उसको भी एक सोर्स के रूप में लिया जाता है, ठीक है, तो ये सोर्स पद्धति हो गया और मुक्त परिप्रश्न का, ठीक है, तो सी और डी इसका सही आंसर हो गया सी और डी। 75 इफेक्टिव टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इज क्रूशियली लिंक्ड टू, इफेक्टिव टीचिंग किससे लिंक्ड है, ठीक है, ए शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू कॉम्प्रिहेंशन थ्रू द
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करके, मतलब प्रोजेक्ट और असाइनमेंट को ला करके रोट लर्निंग को जो है, रोट लर्निंग को कॉम्प्रिहेंशन में शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब अब रटने को ख़त्म करके समझने पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो सही चीज़ है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव इवेल्युएशन, मेमोरी बेस्ड नहीं, अब रटने के जगह पे समझने को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, फ्रिक्वेंट यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टीचिंग एड्स। कॉम्प्लेक्स का यूज नहीं करना है और एक्सपेंसिव का भी नहीं। सिंपल और जो सस्ता हो, सिंपल और सस्ता टीचिंग एड जो होता है वो सही होता है। कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव जो टीचिंग एड होता है वो अच्छा नहीं होता है। आप छात्रों को अगर कुछ सिखाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ ऐड बना, टीचिंग एड बनाना चाहते हैं, तो वो सिंपल और सस्ता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। द एफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी एंड टीचर्स एबिलिटी टू क्रिएटिविटी टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस, ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन कौन हो गया, ए और डी, रोट लर्निंग से कॉम्प्रिहेंशन पर बल दिया जा रहा है, सही चीज है। तो ए और डी इसका सही आंसर है। हिंदी में भी करते हैं। सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। परियोजना और असाइनमेंट के कार्यान्वयन के माध्यम से रटने को समझाने के लिए अब रटने की जगह समझने को बल दिया जाता है। स्मृति स्तर पर शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन, नहीं, अब स्मृति स्तर पर शिक्षण नहीं होता, अब कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर होता है। अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता नहीं, ऐसा टीचिंग एड बनाइए जो सस्ता हो और सिंपल हो। स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों को उपयोग में लाने की शिक्षा की क्षमता और सृजनात्मकता से, ये एक सही चीज है। तो ए और डी एक सही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर इन ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम। डेमोक्रेटिक क्लासरूम में टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिविंग क्लासरूम डिसीजन मेकिंग टू गवर्नमेंट, क्लासरूम के लिए नियम बनाना गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, नहीं। ओवरलुक डिसिप्लिन इश्यूज इन द क्लास एंड फोकस ऑन द सिलेबस, क्लास के डिसिप्लिन को ओवरलुक करके सिलेबस को फोकस करना चाहिए। इस्टेब्लिशिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट, नहीं। प्रोवाइडिंग ए फेयर चांस टू ऑल द स्टूडेंट्स टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज। डेमोक्रेटिक क्लासरूम का यही मतलब होता है कि जहाँ सारे स्टूडेंट अपने व्यू को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, उसी को कहते हैं डेमोक्रेटिक क्लासरूम। एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है। कक्षा संबंधी निर्णय सरकार के लिए छोड़ना नहीं। कक्षा में अनुशासन संबंधी मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना नहीं। स्कूल प्रबंधन और छात्रों के बिना स्वतंत्र रूप से नियम और कायदे स्थापित करना नहीं। छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्ति परक अवसर प्रदान करना, यही होता है लोकतांत्रिक क्लासरूम का मतलब, कि सारे स्टूडेंट अपना व्यू रख सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किल पैट्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल मेथड इज द बेस्ट मेथड इन द टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप हमको डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सिखाना है तो किल पैट्रिक के अनुसार कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा। तो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए जो सबसे अच्छा मेथड होगा वो होगा प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, किल पैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के लिए सर्वोत्तम विधि है। लोकतंत्र की संकल्पनाओं को सिखाने के लिए किल पैट्रिक के अनुसार परियोजना विधि सबसे बेस्ट है। टू डिस्कस द थीम पार्टीशन विच प्राइमरी सोर्स कुड यू ब्रिंग टू द क्लास। अगर आपको पार्टीशन पढ़ाना है, मतलब वही इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, तो कौन सा प्राइमरी सोर्स आप क्लास में ला सकते हैं। फोटोग्राफ्स ऑफ द रिफ्यूजी कैंप इन ओल्ड फोर्ट दिल्ली फ्रॉम 1948, ये आप ला सकते हैं। कह रहा है कि ओल्ड फोर्ट में जो रिफ्यूजी रह रहे हैं 1948 के, उनका आप फोटोग्राफ ला सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं वो प्राइमरी सोर्स होते हैं। ठीक है, द फिल्म गदर एक प्रेम कथा नहीं, नॉवेल नहीं होता है, ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है, नॉवेल नहीं होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है नॉवेल। एक्सपर्ट्स फ्रॉम द स्टोरी तमस, नहीं, ये तीनों नहीं होगा, ये फर्स्ट वाला होगा। विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं। दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें,
क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी है। जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं वो प्राइमरी सोर्स में आते हैं, ठीक है। गदर एक प्रेम कथा, चलचित्र, फिल्म, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास सेकेंडरी सोर्स है, तमस कहानी से उद्धरण ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्रत्यक्षदर्शी होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेटर रिफ्लेक्ट ए सोशल साइंस क्लास दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग किससे बढ़ेगा? देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग आपको सोशल साइंस के इसमें भी पूछ रहा है, क्या कहता है, पेडागोजी में, और सीडीपी में भी ये क्वेश्चन आता है। सीडीपी अगर अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में आपको हेल्प मिल जाता है, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग किससे बढ़ेगा? स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चंस ओनली दैट एंड ऑफ टीचिंग एक्टिविटी। जब टीचिंग एक्टिविटी खत्म हो जाए उसके बाद ही स्टूडेंट क्वेश्चन करे, नहीं, स्टूडेंट हमेशा क्वेश्चन करे। जहाँ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो वहीं क्वेश्चन करे, केवल एंड में क्यों क्वेश्चन करे, एंड में नहीं करे। उस छात्र को तो हमेशा एक्टिव रहना है ना। द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर स्टूडेंट क्वेश्चनिंग इज मोर देन टीचर क्वेश्चनिंग। यस, स्टूडेंट को जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा, स्टूडेंट जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा उतना अच्छा है। एविडेंसेस आर मेड अवेलेबल ऑन द टॉपिक डिस्कस्ड इन द क्लास। ये भी एक पॉजिटिव आंसर है। टीचर सीक्स मोर देन वन व्यू पॉइंट ऑन द टॉपिक। ये भी एक पॉजिटिव आंसर है। जो जो पॉजिटिव है सब आ जाएगा। बस इसमें इसलिए कर दिया कि सिर्फ स्टूडेंट लास्ट में, भाई क्यों लास्ट में क्यों पूछे स्टूडेंट को, जब टीचर का सारा चीज खत्म हो जाए तब नहीं, क्यों पूछे, वो हमेशा एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ए को छोड़ के सारे सही है, ठीक है, ए को छोड़ के सारे सही है। कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की शिक्षा कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है? छात्र केवल शैक्षिक शिक्षण गतिविधि के अंत में सवाल पूछ सकते हैं, केवल अंत में नहीं हमेशा। छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक है। कक्षा में चर्चा किए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना। शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए। जितना ज्यादा स्टूडेंट अपना विचार रखेगा उतना ज्यादा स्टूडेंट का क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, ठीक है। तो ए को छोड़ के सारे ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। सपोज यू विश टू टीच स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ वेज रेट्स आर डिटरमाइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाईली रेलिवेंट। आप स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं कि वेज जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या सबसे ज्यादा रेलिवेंट होगा? डाटा कलेक्टेड फ्रॉम वर्कर, सही बात है, वर्कर से अगर स्टूडेंट डाटा कलेक्ट करते हैं तो सही है। रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑन वेज, वेज के ऊपर गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है वो भी सही है। लेबर लॉ, अगर आप लेबर लॉ दिखाएंगे तो उसमें भी दिया रहेगा कि किस तरह के लेबर को क्या मजदूरी मिलना चाहिए। तो ए बी सी तीनों सही है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए बी एंड सी। मान लें कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्रासंगिक है? श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित करना सही है, वेतन पर सरकारी विवरण ये भी सही है, श्रम कानून संहिता ये भी सही है, उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण ये उतना सही नहीं है। तो ए बी सी। तो होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। अब 1 जनवरी का आया हुआ मात्र 10 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर 2 जनवरी का शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाय।